मृकासुर नाम का एक दैत्य, उसने भगवान शंकर की भक्ति की, भगवान शंकर आशुतोष प्रसन्न हो गए। आशुतोष का मतलब आशु माने शीघ्र, तोष माने तुष्ट होने वाला, तुरंत प्रसन्न हो गए। अब भोले बाबा तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाते, एक लोटा पानी चढ़ा दो उतने में प्रसन्न हो जाते, प्रसन्न हो गए। वे मांगो वरदान, तो उस मृकासुर ने कहा यही वरदान दो कि किसी के सिर पे हम हाथ रखें तो वो भस्म हो जाए। ऐसा उठपटांग वरदान मांगा, कोई अच्छी चीज नहीं मांगा। ये असुर मांगते भी हैं तो ऐसे ही बेतुकी बातें करके, वो बेतुका वरदान जिसका कोई प्रयोजन नहीं अपितु उसके कारण उपद्रव उत्पन्न हो जाता है। मृकासुर ने कहा हम किसी के सिर पे हाथ रखें तो भस्म हो जाए, तो भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। और जब तथास्तु कहा तब मृकासुर ने सोचा कि अब वरदान तो मिल गया, लाओ इसको ट्राई करें, सही है कि गलत है, किसके ऊपर ट्राई करें। बोले तो भगवान शंकर बैठे थे, बोले इन्हीं के ऊपर करके देख लेते, जिससे वरदान पाया उसी को भस्म करने की, यही आसुरी वृत्ति है। आसुरी प्रकृति का प्राणी जो होता है, जिससे पाता है, जिससे उसे संरक्षण मिलता है, अंत में उसी का वो विनाश करता है, यही आसुरी वृत्ति है। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके उन्हीं को भस्म करने के लिए दौड़ा, और उसके मन में एक पाप और आ गया, दो काम हो जाएगा। दो काम कैसे हो जाएगा, बोले इनके सिर पे हाथ रखेंगे तो वरदान की सत्यता भी पता चल जाएगी, और अगर वरदान सत्य है ये भस्म हो गए तो इनकी पत्नी जो बची है गौरी उनको मैं ले जाऊंगा। गौरी हरण लालसा, गौरी हरण की लालसा से उसने भगवान शिव के मस्तक पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। अब भगवान शिव तो वरदान दे चुके थे, अब कोई रास्ता नहीं बचा था, अब तो एक ही रास्ता था भागो, जो रास्ता दिखे उसी रास्ता पे भागो, और कोई रास्ता नहीं। अब भगवान शंकर को भागना पड़ा, अब भगवान शंकर भाग रहे हैं, वो मृकासुर दौड़ा रहा। अब कोई उपाय नहीं, क्या करें। भगवान का स्मरण किया भगवान शंकर ने, हे सर्वेश्वर आप ही कोई उपाय करो। भगवान तुरंत प्रकट हो गए आगे रास्ते में, ब्रह्मचारी बन करके, ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके ब्रह्मचारी बन करके भगवान प्रकट हो गए। भगवान शंकर दौड़ते हुए निकल गए, पीछे से मृकासुर आ रहा था। जब मृकासुर आया तो भगवान ने कहा सुनो सुनो, क्या बात है। बोले रुको भाई, कहां दौड़ रहे हो तुम, क्या बात है। बोले इनको भस्म करने के लिए दौड़ रहे हैं। बोले क्यों भस्म करना चाहते। बोले इन्होंने वरदान दिया है, उसी वरदान का परीक्षण करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कहां तुम चक्कर में पड़ गए दैत्यराज, इतने बुद्धिमान होकर और इतने बलशाली होकर के तुम इनकी बात पर विश्वास करते हो। अरे इनकी बात में विश्वास मत करना, ये तो भोले बाबा हैं, ये तो अपनी मस्ती में रहते हैं, कुछ भी कह देते हैं, इनके वरदान वरदान में कोई शक्ति युक्ति नहीं है। उस मृकासुर ने कहा यही तो मैं परीक्षा लेना चाहता हूं, देख लूं इनके वरदान में शक्ति है कि नहीं। बोले तो इसके लिए इतना भागने की और दौड़ने की क्या जरूरत, अपने ही सिर पर हाथ रख करके देख लो। दैत्य ने कहा अपने सिर पर अगर हाथ रखे तो कहीं भस्म हो गए तब क्या होगा। बोले तो ऐसा करो, सीधे सीधे हाथ मत रखना, धीरे धीरे ऐसे हाथ लेकर के आना, धीरे धीरे नजदीक ले आना, जब गर्मी लगने लग जाए तो हाथ हटा लेना, पता चल जाए कि वरदान सत्य है। बोले हाँ ये युक्ति बहुत बढ़िया है। भगवान ने ऐसी माया फेरी, मृकासुर को समझ में आ गया। मृकासुर अपना हाथ ऐसे किया रखने चला, भगवान ने कहा रे रखो निश्चिंत होकर के, इनके वरदान में कोई शक्ति नहीं है। और नीचे हाथ लाया डरते डरते, तो भगवान ने कहा कुछ गर्मी लगी। बोले नहीं कुछ गर्मी नहीं लगी। बोले निश्चिंत रहो, कोई बात नहीं, कुछ होने वाला नहीं। अब वो गर्मी क्या लगती, वो तो वरदान था, कोई हीटर तो था नहीं कि धीरे धीरे गर्म होता, हीटर में धीरे धीरे गर्मी आती है ना, वो राड उसकी लाल होती, तो कोई हीटर तो था नहीं, वो तो वरदान था ब्रह्मा का, वो भगवान शंकर का। वो दैत्य ने ज्यों ही अपने सिर पर हाथ रखा वहीं भस्म हो गया। जब भस्म हो गया तब भगवान शंकर को शांति मिली। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा द्यापत विमोचन महिष्ट फल प्रदान, इन सबको आपत्ति और विपत्ति से बचाने वाले भगवान।
तो समस्त प्राणियों के ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जितने प्राणी हैं सबके शरण कौन है? बोले भगवान श्री राम शरणम समस्त जगतां। बात समझ में आ गई होगी, भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई रक्षक नहीं। रामम बिना का गति, और भगवान के बिना दूसरी कोई गति नहीं है। दूसरी जगह जाओगे तो दुर्गति होगी, गति तो भगवान के चरणों में मिलेगी। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। और राम जी करते क्या हैं? बोले राम जी की शरण में अगर आप आ गए तो आपका जो कलिमल है, कलिमल माने कलि का दोष, कलियुग का दोष, अज्ञान, पाप, दुख, ये सब भगवान दूर कर देंगे। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, इसके लिए क्या करना होगा? राम जी को कोई फीस देनी पड़ेगी, राम जी को कुछ देना पड़ेगा, तब राम जी ऐसा हमारे लिए करेंगे। तो कहते नहीं नहीं, राम जी बड़े उदार हैं। रामाय कार्यं नमः, केवल भगवान को तुम प्रणाम करो। ठाकुर बड़े दयालु हैं, राम जी प्रणाम करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। सकृत प्रणाम किए अपनाए, एक बार प्रणाम कर ले। और वाल्मीकि रामायण में तो जब विभीषण की शरणागति होती है तो भगवान कहते हैं, विभीषण जी आए आकाश मार्ग से, वानरों ने उनको रोक दिया, राम जी के पास जाने नहीं दिया। तो विभीषण जी ने कहा, जाकर के प्रभु से कह दो रावण का छोटा भाई विभीषण शरण में आया है। रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः तस्याहम अनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः। रावण का छोटा भाई मैं विभीषण हूं और प्रभु की शरण में आया हूं। क्यों आए हो, और किसी की शरण में चले जाते? तो विभीषण ने कहा कि सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मनि, जो समस्त प्राणियों के शरण हैं उनकी शरण में मैं आया हूं। यहां पर जो बात अभी कही, श्री राम शरणम समस्त जगताम, विभीषण के चरित्र में भी उसका प्रमाण। विभीषण जी कहते हैं कि मैं राम जी की शरण में इसलिए आया हूं कि यही एकमात्र रक्षक हैं, सर्वलोक शरण्य हैं। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने निवेदयत माम क्षिप्रम विभीषणम उपस्थितम। जल्दी से जाकर के राम जी से कह दो विभीषण उनकी शरण में आया है, शरण में स्वीकार कर लो। क्षिप्रम का मतलब शीघ्र, अर्थात जितना जल्दी हो सके भगवान की शरण ग्रहण कर लो। ये प्राणियों के लिए उपदेश है, कल पे मत छोड़ो। लोग कहते महाराज अभी तो थोड़ा सब काम ठीक कर लें, फिर दीक्षा ले लेंगे, मंत्र ले लेंगे, भजन करेंगे। बोले कब करेंगे? बोले बाद में, बुढ़ापे में रिटायर हो जाएंगे तब करेंगे। बोले इस चक्कर में कहीं दुनिया से ही रिटायर हो गए तो तुम्हारी सारी योजना धरी रह जाए। इसलिए विभीषण जी कहते क्षिप्रम, जल्दी से राम जी से कहो, एक क्षण का विलंब भी विभीषण को सहन नहीं हो रहा है। कितने जल्दी मैं ठाकुर जी की चरणों में पहुंच जाऊं। भगवान की शरण में जाने में विलंब नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जीवन अनित्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की शरण में जाने के लिए मुहूर्त देखने की भी जरूरत नहीं। और काम के लिए तो मुहूर्त होता है, यज्ञ करना है, ब्याह करना है, गृह प्रवेश करना है, तो पंडित जी मुहूर्त बताएंगे तब होगा। लेकिन भगवान की शरण में जाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम की शरण जाय साहित सुदिन न हेरिए। भगवान की शरण में जाने के लिए साहित और सुदिन देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम भगवान की शरण में जाने के लिए तैयार हो गए, रात के 12 बजे भी, तो वही तुम्हारे लिए सुंदर मुहूर्त होगा। और पंडित जी रोज पूजा में कहते भी क्या कहते हैं? बोले तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग्र युगम स्मरामी। जिस समय भगवान के चरणारविंद का हम स्मरण करें, उनके शरण में जाएं, वही सुंदर दिन है, वही सुंदर लग्न है, वही सुंदर मुहूर्त है। तो भगवान की शरण में जाने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, जितना जल्दी हो सके। विभीषण ने कहा जल्दी से मुझे भगवान की शरण में पहुंचा दो। तो भगवान इतने दयालु हैं
भगवान की शरण में कोई भी जीव आए, बस उसे केवल इतना करना है कि भगवान को प्रणाम कर, और एक बार प्रणाम कर ले बस। जब विभीषण आए, सुग्रीव ने आकर के बताया वो रावण का भाई आया है, क्या करें, भीतर आने दें कि भगा दें? राम जी ने कहा अरे ले आओ जल्दी ले आओ। अरे भाई रावण का भाई है, शत्रु का भाई है, और अकेले नहीं आया है, चार लोगों को साथ में लेकर के आया है। चतुर्भिस्सह राक्षस, ही चार राक्षस साथ में थे, खाली हाथ नहीं आया है, गदा लेकर के आया है, उत्पपात गदा पाणी है, और रात्रि के 12 बजे आया है। संदेह होता है विरोधी का भाई है, और कभी हमसे मिला भी नहीं है, उसके स्वभाव का ज्ञान भी नहीं है, और अकेले नहीं है, चार हैं, शस्त्र लिए हुए हैं, और रात्रि का समय है, असुर माया भी होते हैं, अगर हमारे दल में प्रवेश करके उसने कोई अनर्थ कर दिया तो बात बिगड़ जाएगी। सुग्रीव की सलाह बहुत अच्छी थी, राजनीतिक दृष्टि से सुग्रीव की सलाह ठीक थी, लेकिन राम जी तो शरणागत वत्सल है। राम जी ने कहा नहीं नहीं कुछ भी हो ले आओ, चिंता मत करो। अरे बोले इतने राक्षस हैं, राक्षस कोई अनिष्ट कर देंगे, तो भगवान को कहना पड़ा। भगवान ने कहा सुग्रीव सुनो, इन बड़े बड़े असुरों से हमने जो विरोध लिया है, ये तुम्हारे बंदरों के भरोसे नहीं लिया, ये तुम्हारे बंदर हमारा सहयोग करेंगे, ये तो मेरी लीला है। और जहां तक इन असुरों की बात है, तो भगवान ने सुग्रीव से कहा पिशाचान दानवान क्रूरान पृथिव्यां चैव राक्षसान, ये वाल्मीकि रामायण के वचन है, पृथ्वी पर जितने राक्षस हैं, पिशाच हैं, असुर हैं, सुग्रीव अंगुल्यग्रेण ताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर, ऐसे ही किया भगवान ने, कहा अपने अंगुली के अग्रभाग से, माने उंगली के आगे वाले हिस्से से मैं इनको समाप्त कर सकता हूं, ये राम जी का ऐश्वर्य। राम जी ने कहा अंगुल्यग्रेण ताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर, हे वानर राज, मैं अपने उंगली के अग्रभाग से इन सब को मार सकता हूं, इसलिए तुम डरो मत, ले आओ विभीषण को। आनयैनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयम मया, मैंने विभीषण को अभय दे दिया, ले आओ। और विभीषण जी जब आते हैं तो भगवान ने यही कहा, एक बार सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार अगर प्रपन्न होकर कोई कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, प्रणाम करके, भगवान कहते हैं बस इतने मात्र से मैं उसे स्वीकार कर लेता, ऐसा स्वभाव किसका होगा हमारा, ऐसा स्वभाव तो राम जी का है। और ऐसे स्वभाव को सुनकर राम जी के चरणों में भक्ति नहीं हुई, मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुआ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं धिक्कार है तुमको, तुम्हारे लिए तो तुम तो मिट्टी खाओ धूल खाओ, तुम्हारे लिए और कोई रास्ता नहीं है।